सभी का स्वागत है घमासान.com पर और मैं हूं आपके साथ बागीशा। आज हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश के भाजपा के मीडिया प्रवक्ता और तमाम चैनलों में अपना भाजपा की ओर से पक्ष रखने वाले गोविंद मालू जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर सबसे पहला हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है कि आज मोदी सरकार की उपलब्धियां जो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज लोगों के जहन में जो पुराना मतदाता हो नया मतदाता हो, पहला चुनाव ये ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं, जिसमें महंगाई कोई मुद्दा नहीं, जिसमें देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लगातार शासन किया और शासन नहीं वो कुशासन था, विकल्प नहीं था लोगों के पास, इसलिए बार बार कांग्रेस को चुनते थे, लेकिन जो समस्याएं हैं उनसे पीछा नहीं छूटता था। पहली सरकार 5 साल की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, जिसने भ्रष्टाचार का 5 साल में पहला ये रिजिम है जिसमें देश में कोई भी स्कैंडल नहीं, देश में कोई भी कम्युनल वाद विवाद नहीं हुआ, हारमोनी रही, देश में विकास के एक नए प्रतिमान गढ़े गए। विकास चूंकि एक सकारात्मक चीज है, इसलिए लोगों के बीच में जब विकास नहीं होता है तो नकारात्मक असर होता है, लेकिन जब विकास होता है तो जनता उसका क्रेडिट देती है मनोमन, लेकिन उसका लाभ सीधे सीधे सत्ता पक्ष को इसलिए नहीं मिलता कि ये तो आपका काम था, आपको करना था, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उस पर इंगित भी करती है, उंगली भी उठाती है और उनको दंडित भी करती है। सर जैसा कि आपने कहा इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा को लेकर, पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी की ओर से कई लोगों ने, विपक्षी दल ने, महागठबंधन ने सवाल उठाए कि एयर स्ट्राइक करना, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई और कोई आतंकी हमले में किसी प्रकार के आतंकी नहीं मरे, तो क्या लगता है सर उसको? जब पूरा देश एक तरफ खड़ा हो, भारत की सुरक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का सवाल ही नहीं है। सुरक्षा भारत की हुई, पहली बार घुसकर मारा हमने, हमारी जमीन नहीं गई, हम पर हमला नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई हताहत, मतलब हमारे यहाँ हम पराजित नहीं हुए, हम इसमें विजय प्राप्त की हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार भारत की सेनाओं ने दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसके अड्डों को नष्ट किया। देखिए ये केवल उसकी क्रेडिट ना मिल जाए, जो सरकार में रहता है उसको निश्चित उसका श्रेय, इसलिए क्योंकि अच्छा शासन किया उन्होंने, एक इच्छा शक्ति के साथ शासन किया, एक पूरे साहस के साथ उसको अंजाम दिया, क्योंकि कई चीज़ों के कई सारे पहलू हो सकते थे, लेकिन साहस की सबसे बड़ी कमी पिछली सरकारों में रही। उस सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया और साहसिक निर्णय जब लेता है सेना अपना काम करती है, पराक्रम सेना का है लेकिन निर्णय साहसिक सरकार का था, इसलिए विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो इससे तो पाकिस्तान को बल दे रहे हैं, जो हमारा दुश्मन को कहना चाहिए वो भाषा ये कह रहे हैं। इसलिए पुलवामा हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, हमने जो बालाकोट में उनके अड्डों को तहस नहस किया, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ कितने लोग मारे गए, कितने, अरे भाई हमने हमला किया, इस बात से इनकार कर रहे हैं क्या? अभिनंदन को हम सकुशल वापस लौटा ला, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे आज भी 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान के कई सारे युद्धबंदियों को छोड़ दिया, 1 लाख युद्धबंदी हमारे पास आत्मसमर्पण किया था, आज भी हमारे 56 लोग, बड़े बड़े जो अधिकारी, आज भी पाकिस्तान के कब्जे में, किस सरकार ने उनको छुड़ाने की कोशिश की? ये सवाल मैं इन विपक्षी लोगों से पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है, देखिए दलगत राजनीति में सब अपनी बात कहते हैं लेकिन नेशन फर्स्ट ये रखना चाहिए और देश सबसे ऊपर है, देश सबसे सर्वोपरि है, ये देश की कीमत पर अपनी राजनीति यदि करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि विपक्षी दलों द्वारा एयर स्ट्राइक का विरोध किया गया और मोदी सरकार की तमाम नीतियों का विरोध किया जा रहा है, तो क्या जनता भाजपा से हटेगी या फिर से भाजपा की सरकार आएगी? देश की जनता विपक्ष के चश्मे से नहीं देख रही, न सत्ता पक्ष के चश्मे से देख रही, देश की जनता अनुभव से देख रही है। देश की जनता को अब बरगलाया नहीं जा सकता,
अशिक्षित नहीं है, वो देश की जनता को कुछ भी अगर आपने चॉकलेट देकर बरगलाया तो अब बरगलाने वाली नहीं है। उन्होंने वो तब भी देखा कि आपने गरीबी हटाओ, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आम लोगों के साथ, इसे कई सारे जुमले, लेकिन अब वो नहीं चलने वाला। अब जागरूक हो गए लोग समझते हैं कि किस सरकार ने इच्छा शक्ति से काम किया, किस सरकार ने विकास के मुद्दे पर सकारात्मक और दृढ़ता से काम किया। देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता, देश का जो विश्व में मान सम्मान है, उसके लिए किस सरकार ने काम किया, ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है। विकास के मुद्दे की अगर बात करें तो इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी मोदी के घर आने के बाद रोजगार लोगों को मिलेगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। रोजगार के बारे में मैंने कहा ना कि ये पहला चुनाव है जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ये केवल ये उठा रहे हैं। अब देखिए ट्रेंड बदल चुका है, अब सरकारी नौकरियां नहीं है, अब रोजगार के अवसर हैं। जब 15 करोड़ मुद्रा योजना में 15 करोड़ लोगों को जो लोन मिला है, वो लोन लिया है तो वो अपने तय नहीं लिया है, उन्होंने व्यापार करने के लिए लिया, उन्होंने व्यापार किया, उससे उनको जो वहां पर दूसरे लोग हैं उनको रोजगार दिया। एक अगर छोटा सा कोई इंडस्ट्री, छोटा कोई दुकान भी डालेगा तो उसको भी 4 व्यक्ति चाहिए। तो असंगठित क्षेत्र में मजदूर, ये कारपेंटर और मशीनरी सुधारने वाले, प्लम्बर, ये कई सारे लोग जिनको रोजगार मिला है, जिसकी गिनती आप आंकड़ों में नहीं कर सकते। ये तो दिख रहा है कि लोगों को आज भी हम देख रहे हैं कि आप खुद अगर इस मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप यूट्यूब चैनल की बात करें, कितना बड़ा रोजगार है यूट्यूब चैनल का। सर्विस सेक्टर में कितने सारे लोगों में ये कई सारे कॉल सेंटर्स चले हैं, कॉल सेंटर्स में कितने लोगों को मिल रहा है। अभी भी कई सारी चेन्स जो आई हैं ऊबर की, इनकी ये जो नया ट्रेंड आया है उसमें 10-10, 15-15 हज़ार रुपया एक एक व्यक्ति को मिल रहा है 8 घंटे की नौकरी करने के बाद। तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, अवसर दे सकती है सरकार, वो उन्होंने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब हुआ, एक पुल बनता है, एक पुलिया बनती है, उसमें कितने सारे मजदूर लगते हैं, उसमें निर्माण के लिए कितने सारे लोगों को रोजगार, केवल मजदूरों के अलावा सीमेंट खरीदेंगे, सरिया खरीदेंगे आप, वो बनेगा, निर्माण होगा, वहाँ कोई ऊपर से टपकेगा नहीं, मशीन से होगा नहीं, उसको ऑपरेट करने वाले भी लोग रहते हैं, तो कितने लोगों को रोजगार उसके साथ, जब एंसिलरी यूनिट्स में रोजगार बढ़ा है तो इतना सारा रोजगार डेवलपमेंट के साथ हुआ, इसका कोई आंकड़े में नहीं बता सकते। हमने जो स्किल इंडिया की योजना है, स्किल बढ़ाओ, उसका कितना बड़ा अनुपात इस देश में बढ़ा है। और ये जितने भी विनिर्माण के क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो हमने डेवलपमेंट किया है, उसमें इंजीनियर और ये MBA लोग ही लग रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका कहीं कोई PF नहीं कटता, प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वो परमानेंट सर्विस में नहीं, 3-3 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। और आप तो देखें कि आजकल बैंकें भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस दे रही हैं। हमारे परिवार में भी यदि कोई MBA होगा, उसको कहीं नौकरी लगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो देश में रोजगार, और तब वो वहाँ से छोड़ के जंप करता है, तो ये नौकरी आजकल व्यापार हो गई है, नौकरी में वो बार्गेनिंग करता है कि यहाँ आपको 2 लाख, आपको कहीं, आप किसी कंपनी में है, आपका PF कटता है, आपको सैलरी मिलती है तो नहीं कटता। ऐसे कई सारे लोग हैं क्योंकि उसको जंप करना है। तो ये जब PF कटेगा तो वो एनरोल्ड होगा कि कर्मचारी को मिली। ऐसे ही इंजीनियर, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर नहीं है हमारे बहुत सारे, कई सारे अस्पताल, सरकारी अस्पताल खाली हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहा है, MBA में जा रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। अब हम सोचें कि हमारे हिसाब का रोजगार मिलेगा ये, क्योंकि हम अपने आप को मान बैठे हैं कि हम इतने बड़े आदमी हैं, आपको तो रोजगार चाहिए, आपको बहुत सारे रोजगार हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें पैसा मिल सकता है। आपको ये समझिए कि हमारा योदा होना चाहिए, हम तो यहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, ऐसा रोजगार नहीं, रोजगार बहुत है, करने वाला चाहिए, तो वो मिल रहा है। जिनको अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव आ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं लोग, उनमें सिविल के खूब सारे काम। देश में जब 3 किलोमीटर रोज की सड़कें बन रही थी, आज 24 किलोमीटर रोज की सड़कें बन रही है, तो रोजगार नहीं पैदा हो रहा, तो कोई आसमान से उतर के कोई फरिश्ते नहीं आ रहे हैं काम करने। हमारे देश का ही जो मानव श्रम है
वो काम कर रहा है। और अब चूंकि अब ये युग जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन के युग में हमने देखा कई सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है। ये जो क्रांति आई है हमारे पास, अब इसके कई सारे सेवी हो सकते हैं, पुराने लोग नहीं होते, नए लोग तो नए लड़के लड़कियों में तो काफ़ी सारा काम इसी पर हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, आपको अगर गाड़ी मंगानी है तो आपने उसका ऐप डाउनलोड किया उबर का और ओला का और आप तुरंत आ गई गाड़ी। अब बहुत सारी चीज़ें, आपको खाना मंगाना है तो आप उसको करिए। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कई सारे लोग, अब आपको मालूम है पहले कभी भी बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग जाते थे, अब इंजीनियर और MBA जा रहे हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, हमारी गुणवत्ता बढ़ाई है हमने हमारी जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा सेक्टर है, उसको अपग्रेड किया है, बैंकिंग सेक्टर को अपग्रेड किया है तो अच्छे लोग आ रहे हैं उसमें। तो इसलिए ये तो केवल एक हवा खड़ा करना है विपक्ष को, लेकिन अगर देश में ऐसी बेरोजगारी की स्थिति होती तो भुखमरी होती, महंगाई होती और देश में त्राही त्राही मची होती। मैं समझता हूँ ऐसा भयावह चित्र देश का वही प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हों देश से प्यार नहीं। लेकिन अपराध की बात करें तो अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के आने के बाद से जब से विधानसभा चुनाव आई है, विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार है, लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार के आने के बाद। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ये इसका मतलब है कि आप विश्लेषण भी करते हैं, आप देखते हैं और यही तुलनात्मक आपको अध्ययन है। देखिए कांग्रेस की जब जब सरकार आती, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस आई करप्शन लाई, कांग्रेस आई कंट्रोल लाई, कांग्रेस आई कालाबाजारी लाई। कांग्रेस ने आते ही प्रशासन तंत्र को का राजनीतिकरण किया। आपको मालूम है 47,269 ट्रांसफर्स हुए हैं प्रदेश में 4 महीने में, जिसमें से 17,869 तबादले निरस्त करके फिर से दिया है और 5,000 तबादले से जो 3 बार हुए हैं यहाँ से वहां तक। अब ये पूरे प्रदेश की उथल पुथल हम आए थे, तब तो हमने नहीं किया, 15-10 साल का शासन था दिग्विजय सिंह शासन का। उसके बाद हमको देखिए ये नौकरशाह है, ये कैडेटिस्ट होता है, इसको काम करना है, इसको काम, कोई किसी से प्रतिबद्धता अब नहीं है। एक जमाना था जब कांग्रेस के सरकारें होती थी, कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध भी होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबको मालूम है हमको काम करना है। आप काम करने वाले लोगों को अगर डिस्टर्ब करेंगे, नीचे आएंगे, इसका मतलब एक तबादला उद्योग खोल दिया उन्होंने। और जब पैसा लेकर कोई भी पदस्थापना होगी, कोई TI आएगा, कोई SI आएगा, कोई पुलिस वाला आएगा, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, जेब से नहीं देगा, उसे जनता से लेना है। जनता में कौन आएगा, जो ये अपराधी तत्व हैं, जो इस तरह के माफिया लोग हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, कोई शराब माफिया है, कोई नकली दवाओं का माफिया है, कोई अफीम या मतलब नशीली दवाओं का माफिया है, तो ऐसे जो माफिया वो उनकी सरमाएदारी में पनपते हैं, जिनसे वो पैसा वसूल करते हैं। और इस चुनाव को लड़ने के लिए भी कांग्रेस ने इस तबादला उद्योग का सहारा लिया। बड़ी शर्मनाक स्थिति कि जनता की उनको चिंता नहीं है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि अब नियंत्रण है नहीं, कुशासन प्रशासन कुछ है नहीं, सत्ताधारी दल मदमस्त है पैसे कमाने में, इसलिए क्रिमिनल्स लोगों के लिए अब अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आई, इतना बड़ा NPA देश में हुआ, बैंक में जिन लोगों ने लोन लिया था वो NPA हो गया, 4-5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का, जिसका अब ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। उनके लिए बैंकरप्सी कोड लाए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, वो जब सरकार ने लाए तो 12 बड़े उद्योग उनसे भी पैसा ले सकती थी सरकार या भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने रुइया जैसे बड़े बड़े लोग वो उसमें जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया है सरकार के बैंकों से लिया हुआ, वो भागते फिर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। आज ही छपा है कि नीरव मोदी माल्या ने कहा कि भाई हम 100% पैसा देने को तैयार हैं, हम आ जाए बाहर, हमारा कुछ मत करना। तो ऐसे ये जब सरकार का डर नहीं होगा तो अपराध बढ़ेंगे। सर विकास की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के बाद बिजली कटौती की बहुत बड़ी समस्या हुई है और कांग्रेस सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि ये भाजपा का काम है, क्या लगता है सर उसको लेकर? कांग्रेस की तो बात मुझे बीच में ही आपका जवाब मैं दे रहा हूँ प्रश्न का, क्योंकि मैं आधा प्रश्न में ही समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस हमेशा कुतर्कों पर राज करती। अरे भाई पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रख के जो कर्मचारी काम कर रहा हम उनको बदल देंगे,
आपने 47,000 तबादले कर दिए भाई, आप तो आप कांग्रेस के बिल्ले वाले लोग आ गए। आपने कांग्रेस का बिल्ला रख दिया होगा, हमेशा मानते, हम तो नहीं मानते, लेकिन आप कह रहे थे बीजेपी के बिल्ले वालों को अलग हटा दिया, कांग्रेस के बिल्ले वालों को हमने रख लिया। तो कांग्रेस के बिल्ले वालों को रखा तो फिर हमारी कहाँ सफलता है? और सरकार में आप हो, हंसने वाली बात है, सरकार में आप हैं यार, हम सरकार चला रहे हैं बाहर बैठ कर भी। ये जनता को सोचना चाहिए कि यदि बाहर बैठ कर भी सरकार चला रहे हैं तो कुवत कितनी है हमारी, और ये सरकार में आ गए और इनकी कुवत ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं इनका शासन प्रशासन पर। देखिए ये अपनी असफलता को किसी भी तरह से कुतर्कों के माध्यम से लोगों को भ्रम, अब लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं, लोग समझ चुके हैं कि कर्ज माफी का कैसे दुर्गति हुई। आज ही कमलनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने कहा कि 21 लाख किसानों का कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दे दिए, उन्होंने ये कहा प्रमाण। हम ये कह रहे हैं कि आपने केवल कागज ही बांटे हैं, आपने असल में कर्ज माफ नहीं किया। उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सभा में कह रहे थे मुंगावली में कि हमने 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया 30 लाख किसानों का। अरे भाई आपके आंकड़ों में साम्यता नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है। किसानों से जाकर पूछे, गांव में जाकर पूछे कि वो इनके 10 दिन के कर्ज माफी के वादे की से कितने प्रताड़ित हुए हैं और आज भी उनकी स्थिति क्या है। तो चाहे बिजली हो, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे क्राइम हो, इन सब में अव्वल रहने का तो कांग्रेस के पास शुरू से ही रजिस्ट्रेशन है। ये ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जिसमें इनमें ही अव्वल आते हैं, शासन में, सुशासन में, विकास में कभी अव्वल नहीं आए। लगातार एक और चीज बोली जा रही है कि चौकीदार चोर है, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? देश का वो कुछ भी बोलते नहीं, उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश में, संविधान में उसको अधिकार दिया है हमारे संविधान में, जिसको बोलना चाहे बोले। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा नाम लेकर क्यों कहा आपने कि चौकीदार चोर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो उन्होंने कहा था मैंने तो देश में कह दिया था। अरे भाई आप अगर देश को चलाने के लिए लोगों के बीच में आए कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम आए हैं सरकार चलाएंगे, हम ये करेंगे, तो आप देश में आके कुछ भी कह देंगे? देखिए देश की जनता के पास पूरी स्क्रूटनी, पूरा उसकी MRI है, पूरी स्कैनिंग है राजनेता की, आजकल कोई चीज़ किसी से छिपी नहीं है, और देश की जनता जानती है कि कौन चोर है, कौन लुटेरे हैं, कौन साहूकार है, कौन संत है, कौन असंत है, कौन अधर्मी है, कौन विधर्मी है। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, उन लोगों को आप ये बताइए कि पहले तो प्रमाण लाइए, और आपको लगता है कि जो देश का शासक अभी है, जो शासन करा है 5 साल, उसमें कोई चोरी नहीं हुई, तो इनको करारी शिकस्त दे दिए, 44 के 4 पर इनको डाल दीजिए। सर अगर साधु संत की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल से एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, एक तरफ दिग्विजय सिंह खड़े, तो क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की लहर रंग लाई थी भोपाल में? उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द कहा, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू तो विश्व बंधुत्व की भावना में भरोसा करता है। किस ढंग से जब, और आप जान रहे हैं श्रीलंका में, चाइना में आज बुरके पर प्रतिबंध लगा, मदरसों पर प्रतिबंध लग रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, दाढ़ी रखने पर चाइना में प्रतिबंध है, पाकिस्तान उनके साथ दोस्ती कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? हम किसी कौम की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सिरफिरे होंगे उनके यहाँ भी, लेकिन पूरे देश में, पूरे विश्व में केवल आतंक के नाम पर इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है? उनको बचाने के लिए हिंदुओं को उसके सामने खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति है। फिर देशद्रोह की धारा दूर करने के लिए आपने, देशद्रोह की धारा हटाने के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। आप कन्हैया कुमार को कह रहे हैं जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसने कहा था कि हर घर से अफजल निकलेगा, कौन सी विचारधारा है आपकी? केवल वोट बैंक की विचारधारा है, केवल ये विचारधारा। आप रोहिंग्या से बर्मा परेशान है, म्यांमार जो म्यांमार कहा जाता है, रोहिंग्या और आसाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, अभी देखिए बंगाल में जाकर जो घुसपैठी आए हैं, क्या कांग्रेस या अन्य दल वो ये क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि भारत में जो घुसपैठी आए हैं हम उनको बाहर करेंगे और किसी घुसपैठ को नहीं आने देंगे?
ये तो देश के लिए है ना, इसमें कौन सी बात होगी कि हम देश के नागरिक हैं, बाहर के देशों को, देश के जो आ रहे हैं लोग घुसपैठिए, उनको हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, ये घोषणा करना क्या अपराध है? ये दल क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको मालूम है कि ये वोट बैंक है, भले देश का नुकसान हो, भले देश तहस नहस हो जाए, भले देश के टुकड़े हो जाए, इनको उनके वोट और सत्ता की चिंता है। मैं समझता हूं कि साध्वी तो एक प्रतीक है उस विचारधारा का, उस भारत की अस्मिता का, अखंडता का, एकता का, संप्रभुता का, और भारत की संस्कृति और सभ्यता का, जिसने देश को ही नहीं विश्व को मार्गदर्शन किया है। उस साध्वी के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है, वो प्रतीक स्वरूप जनता के बीच में जा रही है और अपनी बात कह रही है। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह, इतने दिन से अब संघ के खिलाफ अब क्यों नहीं बोलते? उनको मालूम है कि जनता क्या सोच रही है। संघ अलग है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जनता के मन में क्या है वो समझ गया। जब चुनाव में उतरे मैदान में तो उनको डर लगने लगा। अब वो कन्हैया कुमार को बुला रहे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? साध्वी जी एक प्रतीक के रूप में लड़ रही है, भारतीय प्रतीक के रूप में, कि भारत का नागरिक कभी हिंसक नहीं हो सकता, भारत से प्रेम करने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवा कोई आतंकवाद नहीं है, हिंदू कोई आतंकवाद। जिस तरह नए चेहरे के साथ कई लोग से प्रत्याशी को उतारा गया, तो एक और इंदौर से पंकज संघवी, शंकर लालवानी, महेंद्र सिंह सोलंकी, कई नए चेहरों के साथ लोग से प्रत्याशी भाजपा से उतारे गए, तो क्या सर लहर रंग लाएगी मध्य प्रदेश में भाजपा? पूरे देश में सुशासन को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर और देश के आम नागरिक, आम जनजीवन को किस तरह से आसानी से जिंदगी गुजर बसर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों, बेघर को घर मिला है वो आगे भी मिलता रहे, महंगाई ना बढ़े, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, जिसको हमने आजमा लिया है, देश फिर से एक बार उनके हाथों में सत्ता सौंपना चाहता है, तो मध्य प्रदेश तो क्या, पूरे देश में एक वो लहर है कि सत्ता पर हमारी पसंद का आदमी बैठेगा, ये लहर। सर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरह जो योजनाएं थी वो कांग्रेस सरकार द्वारा कई योजनाएं बंद कर दी गई, तो क्या कहना है सर? अब कांग्रेस सरकार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय घोषणाओं का यदि हमने बंद नहीं किया तो वो सारी क्रेडिट उनके खाते में जाएगी। तो आपको मालूम है अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये हमारी सरकार देती थी, वो तक बंद कर दिए हैं। बहुत सारी योजनाओं की बात तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अंत्येष्टि के लिए आप जन कल्याण के लिए काम करने वाली सरकारें आती हैं। हमने भी मनरेगा कांग्रेस की सरकार ने चालू की, लेकिन वो अकर्मण्य योजना थी। मैं इसको सीधे सपाट ले रहा हूँ, मनरेगा ने अकर्मण्यता पैदा की, हमने उसमें कर्मण्यता, उसमें उसका बदलाव किया, उसके उत्पादकता के साथ जोड़ा। मनरेगा हमने उसका बजट बढ़ाया, हमने बंद नहीं की, मनरेगा का नाम भी नहीं बदला। हमने महात्मा गांधी के जो स्वच्छता की बात करते थे, गांधीवाद को जीने वाले लोग जिस स्वच्छता को सबसे शीर्ष पर रखते थे, आज़ादी से भी बड़ी स्वच्छता पर, हमने उसको अपनाकर वो देश को बताया कि कैसे स्वच्छ रह सकता। हमने सरदार पटेल की देश की क्या भूमिका थी, हमने उनका भी सम्मान किया। हमने नेहरू शताब्दी, तो गांधी जी की जन्मतिथि और नेहरू शताब्दी के बीच में हमने उसको स्वच्छता के अभियान को देश भर में चलाया। देखिए हमारी सरकार वो खुले मन की, खुले दिल से काम करने वाली है। हम किसी योजनाओं को जो अच्छी योजनाएं सब अच्छी होती, क्रियान्वयन खराब होता है। हमने क्रियान्वयन को ठीक किया। ये सरकार योजनाएं लाती नहीं है, पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन बर्बाद करती है। और अब तो अच्छी कांग्रेस को, जब देश रोता है तो कांग्रेस हंसती है, जब देश हंसता है तो कांग्रेस रोती है, ये मेरा कहना है। सर जिस तरह से राहुल गांधी दो जगह से चुनाव, तो क्या लगता है हार का डर है या फिर अपनी कांग्रेस की छाप छोड़ना चाहते हैं दो जगह, या फिर कोई उम्मीदवार नहीं है? अब देश में विकास की, डेवलपमेंट की, सुरक्षा की, जन कल्याण की एक लहर है, और अमेठी के लोग और रायबरी के लोग, आप लोग को मैं, आप अगर जाना चाहें तो मैं आपको आने जाने का टिकट करा कर वहाँ सारी सुविधाएं देता हूँ। आप देखिए अमेठी रायबरी के लोगों से पूछिए कि इतने साल बाद उनको क्या मिला। एक फूड पार्क आ रहा था, वो यूपीए सरकार ने उस फूड पार्क को भी ले गई अमेठी में। अमेठी में बेरोजगारी है, अमेठी में सड़कें नहीं, बदहाल स्थिति है, रायबरेली में स्थिति खराब है। केवल ये पैसा लगाते हैं, वोट खरीदते हैं, कहीं पर जातिवाद, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोगों का जन कल्याण इनके दिमाग में नहीं है। अब
जब 5 साल केंद्र में सरकार रही और जब देखा कि शौचालय बन गए, खुले में शौच से मुक्ति हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में नए मकान अपने आवास मिले, राजीव आवास योजना बनी, इंदिरा आवास उसका पता ही नहीं लगा, लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव गांव में आप मकान देखेंगे, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला महिलाओं को, तो ये महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए अब लोगों का ये ट्रेंड बदल गया कि अब नहीं चलेगा ये नारेबाजी, जुमलेबाजी, लप्पेबाजी चलने वाली नहीं है, और ये आप एक विरासत को लेकर, वंशवाद को लेकर कब तक हमारे पास आएंगे गांधी परिवार का नाम लेकर। इसलिए अब आप कृपा करके अलविदा कहें हम आपको, आप जाइए आराम करिए, कहीं इटली जाइए, कहीं इंग्लैंड जाइए, कहीं आराम करिए, जो जाते हैं छुट्टी पर आप जाइए, अमेरिका में जाकर चिल्लाइए, कहीं जाकर चिल्लाइए, हम आपसे विदा लेते हैं। इसलिए वो डर कर वाई नॉट चले गए, और वाई नॉट क्यों नहीं उनको जाना चाहिए। तो भाजपा की ओर से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनावी माहौल में? मैं तो जनता से कहूंगा कि जो आपका अनुभव आया है राजनीति में, इन सबसे ऊपर उठकर, हमारी पार्टी से भी सबसे ऊपर उठकर, जिन लोगों ने वायदे किए हैं आपसे उन्होंने पूरा किया है कि नहीं, इसका आकलन आपको करना चाहिए। देश को, देश के प्रति किनका अनुराग है, कौन देश के प्रति द्रोह करने वालों को सबक सिखा सकता है, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा सकता है, विकास की एक नई धारा, एक नई भारत देख सकता है, जो जिस पर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, ऐसे दल, ऐसे नेता के प्रति आप फिर से एक बार अपने मताधिकार का उपयोग करें, ताकि देश में लोकप्रिय सरकार, जन कल्याणकारी वाली सरकार, विश्व में मान सम्मान भारत का बढ़ाने वाली सरकार फिर से आए, और फिर से देश जो सोने की चिड़िया हम कहलाते थे, ये भारत का सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा हमने कायम की, जो हमने कहा कि भारत का ये निर्माण होगा, भारत का एक बहुत बड़ा बेहतर विकास होगा, भारत एक विश्व में बड़ी अपनी शख्सियत कायम करेगा, तो हम उसको निर्मल भारत इन्होंने बनाया, नारा दिया था, लेकिन बना दिया निर्मल भारत, लेकिन हम सबल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम उस कदमों की जो पहचान है वो जनता को हो चुकी है, और एक देश में एक आंधी तूफान कह लीजिए या सुनामी कह लीजिए ऐसी आई हुई है, वो किसी व्यक्ति विशेष किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, वो ऐसे लोगों के पक्ष में है जो वास्तव में देश का और देश के नागरिकों का ध्यान रखते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आकर। सर एक आखिरी सवाल, कि जिस तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाद 3 राज्य भाजपा के हाथ से चले गए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन क्या अभी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मोदी लहर मध्य प्रदेश में रख लाएगी? मोदी लहर पिछले चुनाव में हमारी भी कुछ गलतियां थी, जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी आए, लेकिन हमारे चयन में कुछ गलती हुई, हम बहुत महीन अंतर से रह गए, लेकिन इस चुनाव में मैं आपसे इस मुकाम पर आज इस इंटरव्यू, इस बातचीत में मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में हम पिछली वाला जो जीत उसको दोहराएंगे, राजस्थान में पिछली वाली जीत दोहराएंगे, और छत्तीसगढ़ में भी हम कमोबेश पिछली वाली जीत दोहराएंगे। कांग्रेस बाहर है, कांग्रेस साफ है, कांग्रेस मुक्त है, और अब देश कांग्रेस से निजात पाना चाहता है, इसलिए अब कांग्रेस को पिछली बार के जो 44 सीटें आई थी देश भर में उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे ही शख्सियत से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे, आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।